नो no, मैम yes, yes. no, नहीं पता चला है एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपका फिजिक्स के अंदर जो चीज आ रही है फिजिक्स के अंदर आपका क्या आ रहा है फिजिक्स के अंदर थर्मोडाइनमिक्स आ रहा है ठीक है एक बार मैं बाकी सब्जेक्ट्स का भी आप लोगों को बता देती हूँ फिजिक्स के अंदर थर्मोडाइनमिक्स आ रहा है इसको आप नोट डाउन कर सकते हो एडिशनली बाकी सब्जेक्ट्स में क्या सीन है न, 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 राइट फिजिक्स के अंदर आपका थर्मोडाइनामिक्स आ रहा है बेटा बायो के अंदर बॉडी एंड सर्कुलेशन आएगा केमिस्ट्री में आपका रिडॉक्स रिएक्शन आएगा और मैथमेटिक्स अगर आपके पास है तो और ये 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 आएगा आपका ये आपका ठीक है इस बार का का सिलेबस रहेगा टेस्ट ओके okay, तो मैंने वैसे पहले वाली क्लास में एक क्लास में बताया था बट जिन बच्चों ने क्लास मिस कर दी कुछ भी दिक्कत है तो वो आप इस वाली क्लास में भी एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ कि क्या आपका आना है सो दिस विल बी योर सिलेबस फॉर द टेस्ट ओके सो यू यू विल विल हैव हैव फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री में में बायोलॉजी बॉडी एंड सर्कुलेशन और मैथ्स में आपका पैराबोला वाला पार्ट आएगा ठीक है तो बेटा जैसे पिछले सैटरडे हमने रिविजन क्लास रखी थी तो इस सैटरडे भी आप लोगों की रिवीजन क्लास ही रहेगी क्लास so आपकी कैसे रहेगी सैटरडे को सेवन टू एट थर्टी आपकी फिजिक्स की क्लास रहेगी

तो जैसा तो पहले क्लास तो नहीं होगी ना नहीं देखे? फिर आपकी वो क्लास नहीं होएगी बेटा इवनिंग में जो क्लासेज होती है वो नहीं होगी ठीक है तो इस तरीके से आपका स्केड्यूल रहेगा सब बच्चों को कोशिश करनी है कि रिवीजन क्लास में अच्छे से

और संडे को आपकी नाइन टू तो टेन थर्टी मैथ्स या बायोलॉजी की क्लास रहेगी ठीक है सो दिस विल बी द स्केड्यूल फॉर योर क्लास गाइस सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सब बच्चों को क्लास में प्रेजेंट रहना है अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर रिवाइज करके आना ताकि ढेर सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाए राइट सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेटेस्ट बिगिन विद टूडे क्लास आज की क्लास से शुरुआत करते हैं आज की क्लास में पिछली क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था वी सॉ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर वी वी अंडरस्टूड अंडरस्टूड अबाउट अबाउट पीरियोडिक मोशन हमने पीरियोडिक फंक्शन को भी स्टडी किया था आज की क्लास में हम थोड़ा आगे चलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिटेल में स्टडी करेंगे उसकी जो डेरिवेशन होती है छोटी सी डेरिवेशन है वो आपकी किसी बुक में नहीं होती बट उसको करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि ये हो क्या रहा है ये सारी चीजें हैं क्या क्या ठीक है फिर हम टर्म्स रिलेटेड टू एसएचएम भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे दैट विल बी दी एम फॉर इस क्लास ऑलराइट सो बिफोर बिगनिंग विद टुडेस क्लास लेट अस डिस्कस व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द लास्ट क्लास तो आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि पीरियडिक मोशन क्या होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियडिक मोशन मैम जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में मोशन रिपीट होती है बिल्कुल सही बेटा वेरी गुड जो मतलब कोई ऐसा मोशन जो आपका एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रहा हो है ना जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे कि सन अर्थ के आसपास घूम रही है तो वो भी पीरियॉडिक मोशन है क्योंकि वो रिपीट हो रहा है ना एक एक साल बाद वही सेम मोशन रिपीट हो रहा है ठीक है हमने क्लॉक का मोशन देखा था कि क्लॉक के अंदर जो क्लॉक के हैंड्स है वो भी जो मोशन कर रहे हैं दैट इज पीरियॉडिक बिकॉज दे आर ऑल्सो बार बार वो सेम से, से चीज कर रहे हैं कुछ टाइम में वही सेम चीज करना शुरू कर देते हैं तो ये आपके पीरियडिक मोशन होते हैं उसके बाद हमने ऑसिलेशन के बारे में पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑसिलेशन गाइस मैम टू एंड फ्रो मोशन टू एंड बिल्कुल सही बिल्कुल सही बेटा ऑसिलेशन हमने देखा था कि टू एंड फ्रो मोशन होता है अब अगर आपकी कोई मीन पोजीशन है आपके पास कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन है ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि उस मीन पोजीशन के अबाउट आपकी टू एंड फ्रो मोशन हो रही हो

ऐसा कुछ आ रहा है तो ये आपका पीरियोडिक रहेगा क्योंकि ये टू पाई के बाद रिपीट होता है ठीक है आप देख सकते हो कि y विच इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी इट मस्ट बी इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस सम टाइम पीरियड t और हमने एक और इक्वेशन जो निकाली थी वो यही निकाली थी कि ये जो ओमेगा टी होता है इट इज इक्वल टू टू पाई क्योंकि साइन का फंक्शन हो कॉस का फंक्शन वो टू पाई के बाद रिपीट होता है

मैम जिसमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होती है चीज़ी रिस्टोरिंग फोर्स ठीक है ये तो आप सही बोल रहे हो एक तो पॉइंट ये हो गया ठीक है सबसे पहले ये आपका एक टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन होता है टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन ये होता है ये आपका बस यहां पर एक स्पेशल कंडीशन होती है जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है ना बेटा इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स ठीक है बेटा वो उल्टी डायरेक्शन में तो हमेशा होगी क्योंकि आपकी जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है ना दिस इज ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजिशन इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजिशन जो भी आपका बॉडी है उसका जो मीन पोजिशन होगा जो इक्विलिब्रियम पोजिशन होगा दिस फोर्स विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट सो दैट इज वाई नेगेटिव तो यहां पर हमेशा ही आएगा एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट ठीक है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कुछ नहीं होता बेटा एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑसोलेटरी मोशन होता है यहाँ पे भी आपका पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव कर रहा है अबाउट द मीन पोजिशन बस यहां पर स्पेशल बात यह है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स डिवेलप हो रही है इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट ऑल राइट फॉर एक्साम्पल इफ आई एम टेकिंग द ऑफ अ स्प्रिंग तो आप लोगों को पता है कि अगर मेरे पास इस तरीके का स्प्रिंग है इसमें मैंने ऐसे कुछ फोर्स लगाई और ये इसकी मेन पोजीशन है दिस इज इट्स मेन पोजीशन

तो अब ये स्प्रिंग में फोर्स कैसे डेवलप होएगी मीन पोजिशन के फिर से फोर्स फोर्स डेवलप होएगी तो तो जो आपकी रहती है है वो हमेशा ऑपोजिट तो होती ही डिस्प्लेसमेंट से सिंपल हार्मोनिक मोशन में खास बात क्या होती है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ मतलब यहाँ पे पावर जो होती है वो वन होती है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो कि ये जो आपकी फोर्स है इट इज इक्वल टू माइनस के एक्स यही तो होता है स्प्रिंग का जो इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी है है ना यहाँ पर जो किया है वो आपका कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी होता है इज दिस ओके यस यस मैम मैम ठीक है अब बेटा आपकी ना दो टाइप ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिस्ट करती है हम दोनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे पहला आपका टाइप होता है जैसे अगर स्प्रिंग का एग्जांपल मैं लू ठीक है अगर मैं स्प्रिंग का एग्जांपल लू तो स्प्रिंग के एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट मेरी ऐसे होगी या ऐसे होगी डिस्प्लेसमेंट होती है. तो, इसको हम है तो इस केस में आपका जो एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है वो डायरेक्टली एक्ट करता है कि जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स मतलब एफ इज इक्वल टू माइनस की एक्स ठीक है तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है तो वो भी निकाल लोगे कितनी डेवलप पार्टिकल में जो ये फोर्स है m. है डिवाइडेड बाय ना मतलब एक्सेलरेशन शुड आल्सो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड आइडियली आपकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है वो कितनी आती है माइनस के अपॉन एम ऑफ एक्स इज यस मैम ठीक है तो यहां से मैं एक और चीज क्या लिख सकती हूँ डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क् मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स कुछ क्वेश्चंस में आपको वाई भी दे रखा होता है वहां पे भी ये सेम एक्सप्रेशंस वैलिड है बस वो डिस्प्लेसमेंट वाई रिप्रेजेंट हो रही है कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर है ना आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होती है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट डी स्क्वे एक्स अपन डी टी स्क् होती है सो दैट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स दिस इज व्हाट दिस एक्सप्रेशन एम्प्लाइज

तो यहां पर आप टॉर्क के बारे में बात करते हो और इस थीटा के बारे में बात करते हो, आता है, फोर्स, वो में रिजल्ट करता है जिसकी से कुछ रोटेशन वाला हो रहा है तो यहां पर आपकी थीटा के मोशन तो को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं तो अब इस केस में आप क्या लिखते हो कि जो आपका रीस्टोरिंग टॉर्क होएगा वहां पर था रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे रहेगा टॉर्क दैट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ठीक है तो यहाँ पर अब आप एक्सेलरेशन की वैल्यू भी लिख सकते हो ना अल्फा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ़ थीटा ठीक है और क्योंकि आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन होती है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी कैन ऑल्सो से दैट दिस शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा राइट जहां पे आपका अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन इज दिस ओके गाइस एंगुलर समझ में आया कि एंगुलर के केस में आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है लीनियर के केस में आपकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हो रही है तो एंगुलर के केस में हम टॉर्क को कंसिडर करेंगे लीनियर के केस में हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को यूज करके पूरा का पूरा एक्सप्रेशन निकाल देंगे इज दिस ओके गाइसमेंट ठीक है बेटा इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स दे देती हूँ आप लोगों को जैसे हमने देखा स्प्रिंग मास सिस्टम जो होता है आपका वो आपका लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ठीक है आपका लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करता है एक ही डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है तो लीनियर तरीके से चेंज हो रही है अगर पेंडुलम की हम बात करते हैं तो पेंडुलम जो होता है वो आपका एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करता है क्योंकि यहाँ पे आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्विंग अगर आप किसी भी स्विंग की बात हो अगर आप किसी झूले की बात हो ये बच्चा मस्त ऐसे झूला झूल रहा है आई थिंक बाकी सब बच्चे भी बोल रहे हैं कि मैम मुझे भी झूला झूलने का मन कर रहा है बट बहुत सर्दी हो रही है तो झूल नहीं पा रहे ठीक है तो स्विंग भी जो होता है बेटा वो भी आपका एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही एग्जाम्पल होता है क्योंकि एंगुलर डिसप्लेसमेंट हो रही है

यस 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 मैम 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 पक्का ठीक है वेरी गुड अब आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे जो बहुत सारी बुक्स में नहीं है बट मैं इसलिए करवा दू ताकि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए मैं एक बार okay? क्या बेटा हम शॉर्ट में रिपीट कर दीजिए अच्छा बेटा हमने खाली ये देखा है कि आपका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उस केस में अगर आपका एंगुलर हो लीनियर हो कुछ भी हो आपकी जो फोर्स रहती है इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट और योर टॉर्क शुड बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर ये वाली कंडीशन आपकी वैलिड हो रही है तो उसको हम एसएचएम कहते हैं ठीक है चलो सो नाउ लेट अस डिराइव द एक्सप्रेशन की जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है एस में उसका क्या एक्सप्रेशन आता है ठीक है उसका एक्सप्रेशन कैसे आता है उसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं तो लेट मी से कि किस तरीके से एसएचएम हो रहा है पहले वो देखो मैं बोल रही हूँ कि एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है इन दोनों पॉइंट के बीच में एस हो रहा है ये है पॉइंट ए ये है पॉइंट बी एक पार्टिकल है जिसकी मीन पोजिशन थी ये दिस वॉज दिन पोजिशन ऑफ द पार्टिकल ये आपकी मीन पोजिशन थी ठीक है यहां से आपका पार्टिकल चला गया कहीं पॉइंट पी पे दिस इज योर पॉइंट पी आपको पता है कि इन दोनों पोजिशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपका एक्स तो अब आपको ये जो एक्स है इसकी वैल्यू निकालनी है कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी आपका पार्टिकल ए और बी पोजीशन के बीच में घूम रहा है मुझे इन जनरल डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकालना है ठीक है तो काफी बुक्स में आप देखोगे कि ये डायरेक्टली लिखा रहता है कि एक्स इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी प्लस कुछ डेल्टा होता है फाइव होता है कुछ भी आपके पास ऐसा होता है तो ये क्यों आ रहा है ये हम इधर डिराइव करने की कोशिश करेंगे इज इट ओके गाइस सबको समझ में आया कि अब हम क्या करने वाले हैं यस यस मैम मैम ठीक है yes, ये इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपके सीबीएसई पेपर पॉइंट के लिए इतना इम्पोर्टेंट ना हो बट आई एम आई ट्राइंग टू डू दिस ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में हो क्या रहा है वरना बच्चों को एसएचएम कुछ भी समझ नहीं आता ये एक्सप्रेशन रट के जाते हैं और फिर इससे कुछ होता नहीं है ठीक है तो इसलिए हम ये एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे ओके सो नाउ सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है सपोज एट टी इज इक्वल टू जो आपका x है दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट और जो भी आपके पार्टिकल की वेलोसिटी है वो है आपकी v नॉट तो एस एच एम की इक्वेशन क्या बोलती है हमको बेटा एस एच एम क्या बोलता है फॉर एस एच एम वॉट इज दंडीशन मैम फोर्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स यस मैम है ना बेटा इसका मतलब क्या है कि फोर्स आपकी कितनी हो गई माइनस के एक्स तो यहां से मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख सकती हूं है ना एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एम मतलब ए विल बी इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स यहां पर एक जरूरी चीज करते हैं बेटा अब हम हम बोलते हैं कि ये जो माइनस के अपॉन एम है ना दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर तो यहां से मेरे पास एक जरूरी एक्सप्रेशन आता है जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए दैट इज इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इसी एक्सप्रेशन को आप बहुत बार यूज करोगे जब एस एच एम की बात होगी आप यही एक्सप्रेशन यूज करोगे ठीक है तो यहां पर ओमेगा क्या हो गया ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम और इसको आप क्या बोलते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी

ऑल राइट right, आगे यस मैम ठीक है अब मैं करने क्या वाली वैल्यू आपको ये बता देती हूँ मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है मुझे एक्स के टर्म्स में है ना यस yes, मैम मुझे से मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लूंगी इंटीग्रेट करके और वेलोसिटी से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूंगी तो अब मुझे दो बार इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है और मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी बस इतना ही करना है ठीक है तो बस वो इंटीग्रेशन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे वो भी मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी ऑल right. तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है डीवी अपॉन डी इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ डीएक्स से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दिया सेम ही तो एक्सप्रेशन हो गया ये सब आपने काइनामेटिक्स में कर रखा है बेटा अच्छा आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है एक सेकंड रुको रिफ्रेश करती हूँ

ये वाली चीज कंबाइन कर सकती हूं आई कैन राइट दिस इक्वल इक्वल टू टू ए इज अपॉन एक मल्टीप्लाइड और ये डीएक्स अपॉन डी टी क्या है ये तो वेलोसिटी ही होती है तो ये एक्सेलरेशन का सब बच्चे याद रखेंगे आपकी काइनेमेटिक्स में भी सेम चीज डिस्कस हुई होगी दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डीएक्स एंड दिस इज इक्वल टू वॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स यहाँ तक सब बच्चे हैं मेरे साथ यस yes, 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 इंटीग्रेट कर सकते हैं एक्स वाली टर्म को एक साइड पे ले लेती हूँ वी को एक साइड पे ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि मैम वी मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स नाउ आई कैन इंटीग्रेट दिस कहा से वी से लेकर वी तक मस्ट बी इक्वल टू वॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट है एक्स नॉट से लेकर एक्स तक एक्स डी एक्स इज ओके दिस इज अ वेरी सिंपल इंटीग्रेशन यस मैम ठीक है ये so तो बच्चे पर... सब कर लेंगे बड़ी सिंपल सी इंटीग्रेशन है क्या आ जाएगा मैम वी स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा फ्रॉम वी नॉट से लेकर वी मस्ट बी इक्वल टू वॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स ठीक है नाउ मैथ्स आई कैन राइट दिस ये two और टू तो दोनों साइड पे हो जाएगा हाफ का तो है तो यहां पर आ जाएगा square square okay? yes, yes, तो यहां से मैं वी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ वी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वास स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स सॉरी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स टॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आई कैन राइट दी वैल्यू ऑफ वी इन दिस फॉर्म वी स्क्वायर इन दिस फॉर्म यस मैम पक्का यस मैम ठीक है सो नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट आई जस्ट रीड वाज दैट आई रोट वी स्क्वायर एज व्हाट वी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ठीक है अब खाली थोड़ा सिंपल सिंपल मैथ्स और करने का है हमें तो यहाँ पर अब मुझे मैं वी स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ एंड आई कैन राइट व्हाट वी नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर राइट ओमेगा स्क्वायर बस कॉमन ले लिया ठीक है बेटा अच्छा स्ट्रक स्क्रीन एक सेकेंड अभी आएगी

और अंडर रूट में कुछ अजीब सी टर्म आ जाएगी ना ये वाली v नॉट एक्स नॉट यहां तक सब बच्चे मेरे साथ हैं सबको समझ में आ रहा है ठीक yes, 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 है बेटा अब ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है ना आपका इसको लिख देते हैं ए के बराबर a स्क्वायर के बराबर लिख लो आप नहीं a स्क्वायर के बराबर लिख लेते हैं ठीक है तो यहां से आपके पास v की वैल्यू कितनी आ जाएगी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लीज नोट इट डाउन दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन अगेन बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि मैम ये कहां से आ गया ये ऐसे आता है ऑल राइट जिन बच्चों ने ऑसिलेशन थोड़ा बहुत भी देख रखा है वो लोग देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन हर जगह पे है बट इन एक्सप्रेशन का मतलब बच्चों को समझ नहीं आता ठीक है वेलोसिटी निकल गई

ठीक है तो मैं आगे अब क्या कर सकती दैट अपॉन इज इज इक्वल इक्वल टू टू इट ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यस गाइस तो यहां से अब मैं क्या लिख सकती हूँ दैट स्क्रीन फिर से पॉज रहे क्या एक सेकेंड ट इज गुड यहाँ तक सब बच्चे हो साथ, निकल yes, yes, क्या? तो मैंने क्या बोला डी एक्स अपॉन डी टी को लिख सकती हूँ ना मैं ये क्योंकि तो अब यहां से इकट्ठे ले रखती हूँ मैं क्या लिख देती हूँ ठीक yes, है तो यह आपका एक स्पेशल इंटीग्रल होता है जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रल है वो एक स्पेशल इंटीग्रल होता है और उसको जब आप इंटीग्रेट करते हो आपके पास एक साइन एनवर्स का फंक्शन आता है ठीक है यू गेट साइन एनवर्स का फंक्शन तो उसकी मैं खाली एक्सप्रेशन लिख रही हूं वो आप वैसे मैथ्स में पढ़ते हो ज्यादा डीप उसमें घुसने की जरूरत नहीं है जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे यूटेन साइन इनवर्स एक्स ए फल टू ओमेगा टी फ्रॉम जीरो से लेकर टी तक तो इसको अब आप कैसे लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए माइनस साइन इन ऑफ एक्स नॉट अपॉन ए मस्ट भी इक्वल टू ओमेगा टी ओ ओके गाइस तो यहां से मेरे पास क्या आया साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू व्हाट साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट अपॉन ए प्लस ओमेगा टी बेटा अब ये वाली जो चीज है ना आपकी साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट अपॉन ए ये होती है आपकी फेज कांस्टेंट इसके बारे में भी बाद में पढ़ेंगे इसको आप लिखते हो डेल्टा या फिर फाइनॉट काफी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको मैं इसको डेल्टा के टर्म्स में लिखूंगी तो यहां से मेरे पास डायरेक्टली क्या आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस डेल्टा यस गाइस यस मैम ठीक है तो इसका मतलब क्या है एक्स अपॉन ए मस्ट बी इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा प्लस डेल्टा आ गई एक्स की वैल्यू एक्स कम आउट टू बी ए साइन ओमेगा प्लस डेल्टा इज दिस ओके एवरी वन ठीक है मैं फिर से बता रही हूं कि ये वाला एक्सप्रेशन जैसे काफी सारी बुक्स में नहीं होता तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये कैसे आ गया मैम डेल्टा क्या है मैम ए क्या है मैम तो अभी इतना डिटेल में मैं जाके एस एच एम एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि एस एच एम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट है बेटा आप अच्छी अच्छी बुक्स में देखोगे ना तो वहां पे ऑसिलेशन नहीं है इस चैप्टर की हेडिंग इस चैप्टर की एस एच एम डाल रखी है तो इसलिए एस एच एम काफी जरूरी चीज है उसको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए ऑल राइट right, तो एक्स का ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है इसके अंदर एक बार जो सारी टर्म्स है वो भी मैं आप लोगों को ब्रीफली बता देती हूँ

अभी विजिबल है, यस yes, yes, ठीक है एक्स इज रेप्रेजेंट एक्स रेप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट बाद में हम पढ़ेंगे ओमेगा मतलब आप लोगों को पता ही है ओमेगा रेप्रेजेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ठीक है ओमेगा जो होता है वो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेप्रेजेंट करता है ये जो डेल्टा है आपका ये आपका फेस कॉन्स्टेंट रेप्रेजेंट करता है और बेटा ये जो पूरा का पूरा एंगल है ना बाद में हम देखेंगे कि दिस इज इक्वल टू फाइव जहां पर फाइव इज योर फेज ठीक है तो ये सारी चीजें भी वील ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट क्लास कि इन सारी टर्म्स का सेपरेटली मतलब क्या है इन सारी टर्म्स की सेपरेटली अम, सिग्निफिकेंस क्या है क्यों पढ़नी है हमें ये टर्म्स यहां तक सब मेरे साथ हो यस मैम ठीक है अब जैसे येसा, जैसा ये साइन का एक्सप्रेशन है वैसा ये कॉस का एक्सप्रेशन भी बनता है तो काफी बुक्स में वो वाई के टर्म्स में लिखते हैं कि इट इज इक्वल डेल्टा ठीक है क्योंकि कॉस के टर्म्स में तो सेम ही एक्सप्रेशन बनता है ना हमारे पास तो आपके पास y का भी इस तरीके से एक्सप्रेशन बन सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है कुछ गलत नहीं है सब ये सही है कॉस और साइन दोनों के टर्म पीरियोडिक रहती है तो दोनों के तरीके से आप अपने एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो

ठीक है बेटा यहाँ तक सब मेरे साथ हो यहाँ तक सबको समझ में आया yes, yes, मजा आया आज की क्लास में मतलब अभी तो चलो आधी क्लास बाकी है बट मजा आया अभी तक yes, 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 ये कुछ नई चीज सीखी है काफी काफी चीज बुक्स में नहीं नहीं है टाइम स्कूल के टीचर्स उसको डिस्कस नहीं करते तभी मैंने डिस्कस किया कि बच्चों को चैप्टर की फील नहीं आएगी तो क्या फायदा है यार चैप्टर की फील आएगी तभी तो चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे जब समझ ही नहीं आएगा कि कहां से ये अटपटा सा एक्सप्रेशन उठ के आ गया तो क्या करोगे अब बच्चों को समझ में आया कि हाँ मैम

ठीक है तो अच्छे क्वेश्चंस हैं ए आई के भी क्वेश्चंस हैं कुछ वो भी बाद में थोड़े से आप लोगों के साथ। तो ये वाले क्वेश्चन करेंगे पहले totally right, करें yes, तो yes, करें, यहाँ पर आपको क्या बोला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रेप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन देखा मैंने कहा था ना कि y की इक्वेशन भी आपके पास पूछी जाती है काफी तो ये आपको दे रखा है थ्री कॉज ऑफ पाई बाय माइनस टू ओमेगा टी तो सबसे पहले तो एक चीज आप सब लोग याद रखो ये काफी जगहों पे आपकी यूज होगी कि अगर आप कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा में से नेगेटिव हटा देते हो तो वो आपके पास कॉस ऑफ थीटा ही आता है है ना ऐसा क्यों होता है क्योंकि आ, चार बनते हैं ना हमारे ऑल साइन तो, जो रहता है, आपका होता है. So, तो इसका मतलब क्या है कि यहां से मैं ये नेगेटिव को कॉमन लेके वाई को डायरेक्टली लिख सकती हूँ एज थ्री कॉस ऑफ टू ओमेगा माइनस फाइव अब यहां पर आप सारी की सारी चीजें देख सकते हो कि हाँ भाई ये जो टू ओमेगा है ये मेरी एक तरीके से ठीक है, है, है।, आप है आपको ये बताना है कि मोशन ऑफ द पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक विद पीरियड टू पाई अपॉन ओमेगा सिंपल हार्मोनिक विद पीरियड पाई अपॉन ओमेगा पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक या फिर नॉन पीरियोडिक तो सबसे पहले

y की वैल्यू गिवन है यहाँ से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हो है ना तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं सबसे पहले वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसको डिफरेंशिएट कर लो ना इसको डिफरेंशिएट करके कितना है का होता है, नेगेटिव ऑफ टू ओमेगा टी माइनस फाइव बाई फोर अब क्योंकि ये टी के साथ टू ओमेगा भी है तो टू मल्टीप्लाइड बाय टू ओमेगा तो आपके पास वेलोसिटी कितनी आ गई माइनस सिक्स ओमेगा साइन ऑफ टू ओमेगा टी, पाई okay, yes, है, पक्का दिस इज ओके ऑल राइट अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगी एक्सेलरेशन आ जाएगी यस yes, मैम तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देती हूँ एक बारी मैं एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन हो जाएगी डी वी अपॉन डी टी तो बेटा जब आप उस टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे अब आपका साइन का कॉस हो जाएगा सबसे पहले साइन का कॉस हो जाएगा और यहाँ पे फिर से आपको टू ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोफिशियंट है टू ओमेगा तो आपके पास क्या आएगा माइनस सिक्स ओमेगा मल्टीप्लाइड ओमेगा अच्छा स्टक है बेटा एक सेकेंड अभी विजिबल हो गई मैंने क्या ये बोला कि यहां पे ये साइन का कॉस हो जाएगा डिफरेंशियट करोगे तो और फिर से आपको जो क्वांटिटी है उसको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना ताकि आपके पास वेलोसिटी की सही वैल्यू आ पाए राइट तो यहाँ पे जब आप एक्सेलरेशन लिखोगे तो कितनी लिखोगे डीवी अपॉन डी टी मतलब माइनस सिक्स ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ टर्म कॉस ऑफ टू ओमेगा टी माइनस फाइव बाई फोर है ना

पक्का यस मैम ठीक है अब बेटा एक और चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि अगर आपके पास वाई होता है कुछ ए कॉस ओमेगा प्राइम लिख रही हूँ यहाँ पे ओमेगा क्योंकि ओमेगा इस क्वेश्चन में यूज है सो so, ओमेगा प्राइम टी प्लस डेल्टा तो so, यहाँ पे आपका टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आती है टू पाई अपॉन ओमेगा प्राइम है ना टू पाई अपॉन ओमेगा प्राइम वैल्यू रहती है ना टाइम पीरियड की अगर ये इक्वेशन है तो yes तो अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो विद द गिवन डिस्प्लेसमेंट कंपेयरिंग विद टू ओमेगा नहीं गिवन ओमेगा प्राइम आपको टू ओमेगा तो वहां से मैं टाइम पीरियड क्या निकाल लूंगी टू पाई अपॉन टू ओमेगा मतलब टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा इसका मतलब क्या है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और इधर आपका टाइम पीरियड कितना है पाई अपॉन ओमेगा इज दिस ओके गाइस यस मैम पक्का यस मैम ठीक है बेटा तो सही आंसर आ गया ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस वेरी गुड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये ठीक है ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है विद पीरियड पाई अपॉन ओमेगा चलो आगे चलते हैं एक बार रिपीट कर देती हूं यहां पर मैंने क्या किया विशाल ये समझो हमें y गिवन था ठीक है सबसे पहले देखो हमें y गिवन है हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है अगर मुझे प्रूव करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो मुझे क्या प्रूव करना है जो एक्सेलरेशन है इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स है ना क्योंकि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स के प्रोपोर्शनल है इसका मतलब है कि फोर्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स या फिर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट तो मुझे भाई यहाँ पे प्रूफ करना है उसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया वाई की वैल्यू मेरे पास थी मैंने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल ली उसको डिफरेंशिएट करके इस चैप्टर में अपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट थोड़े स्ट्रॉन्ग कर लेना वो यूज में आते हैं ठीक है, है बेटा यहाँ तक क्लियर है विशाल आपको कि हमारे पास एक्सेलरेशन हमने निकाल ली और एक्सेलरेशन कितनी आई माइनस फोर ओमेगा स्क्वायर वाई मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई तो ये जो मोशन है हमारा ये सिंपल हार्मोनिक है ठीक है विशाल यहां तक क्लियर है बेटा अब उसके बाद मैंने क्या बोला कि आपकी सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन ये होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये इक्वेशन होती है और यहाँ पे आपको पता है कि टाइम पीरियड कितना होता है टू पाई अपॉन ओमेगा प्राइम जो भी यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू है आपके पास इस क्वेश्चन में आपको ओमेगा की वैल्यू कितनी गिवन है टू ओमेगा यहाँ पे आपको टू ओमेगा वैल्यू गिवन है तो जब आप टाइम पीरियड निकालोगे वो कितना हो जाएगा टू पाई अपॉन अटू ओमेगा टाइम पीरियड आपका टू पाई अपॉन टू ओमेगा हो जाएगा ठीक है तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा ओमेगा के बराबर तो so, यहां से मेरा जो करेक्ट आंसर है वो ये बोलता है कि दिस मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ पीरियड गिवन टू यू एज है चलो आगे चले मैम ऑल राइट लेट सॉल्व वन मोर क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन जैसा वो क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन है खाली डिफरेंशिएशन अलग है इस केस में यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि y इज इक्वल टू गिवन टू यू एज वॉट साइन क्यूब ओमेगा ठीक है आपको y की वैल्यू कितनी गिवन है साइन क्यूब ओमेगा टी के बराबर आपको y की वैल्यू गिवन है तो यहां से आप वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हो ना वही सेम एक्सप्रेशन करना है आपको वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा आपके पास थ्री आ जाएगा स्क्वायर ओमेगा टी फिर साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है ओमेगा टी और क्योंकि यहाँ पे ओमेगा तो भी आ जाएगा आपकी आएगी? है ना आपकी आ जाएगी कुछ इस तरीके की प्रोडक्ट yes, रूल लगेगा प्रोडक्ट रूल याद है ना कि पहले कॉस ओमेगा टी को कांस्टेंट रखो साइंस स्क्वायर ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कर लो फिर साइंस स्क्वायर ओमेगा टी को कांस्टेंट रखो कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कर लो यही मतलब होता है ना इसका ठीक yes. है तो यहां से अब आप वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कितनी निकाल सकते हो थ्री ओमेगा तो बाहर आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कर दू कॉस ओमेगा टी कॉन्स्टेंट है तो साइंस स्क्वायर ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करूंगी क्या आ जाएगा टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और एक ओमेगा भी आएगा और यहाँ पर क्योंकि एक टी हमने पहले लिखा था तो ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा फिर अब आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कांस्टेंट रखना है और कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करना है कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे तो साइन आता है नेगेटिव में तो यहां पे आ जाएगा माइनस ओमेगा इसकी जगह पे भी साइन ओमेगा टी आएगा माइनस ओमेगा साइन क्यूब ओमेगा टी इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन आ गया ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू वॉट वट इज इक्वल्स टू अब ये यहां से ओमेगा मैं बाहर ले सकती हूँ साइन ओमेगा भी मैं बाहर ले सकती एटलीस्ट एक, एक साइन ओमेगा टी बाहर ले सकती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा थ्री ओमेगा साइन ओमेगा टी और ब्रैकेट में कितना है मेरे पास टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना बेटा है ना यही है मेरे पास यस yes, मैम तो यार ये तो कभी भी मेरा इसके इक्वल ही नहीं आ पाएगा दिस विल नेवर कम आउट टू टू बी इक्वल क्यूब ओमेगा ये साइन क्यूब ओमेगा के इक्वल कहा है ये साइन क्यूब ओमेगा टी के इक्वल नहीं है ना नो मैम नो मैम है ना तो दैट इज वाई आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए इज नॉट इक्वल टू मतलब ए आपका इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ वाई तो आप ये जो है आपका दिस इज नॉट हार्मोनिक मोशन नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन तो भले ही ये पीरियोडिक जरूर होएगा क्योंकि ओमेगा टी है आपके पास तो ये सेम वैल्यू आपकी रिपीट हो जाएगी आफ्टर टू पाई बट इट इज नॉट हार्मोनिक सो दिस इज वाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस ऑल इज दिस ओके गाइज Yes, ma'am. Yes, ma'am.

दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुएगा मैं दोनों तरीकों से करवाऊंगी आपको तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है वो समझो मोशन ऑफ अ स्मूथ कर्व्ड बोल तो बेटा मेरे पास कोई कटोरा है पर आपके पास एक कटोरा है उसके अंदर एक बॉल रखी है ठीक है इसको ड्रॉ अगर मैं करूं। अच्छा कटोरा नहीं बना थोड़ा सा ऐसा पैना सा चाहिए हमें एक तो सपोज uh, आपके पास कुछ इस तरीके का बोल है ठीक है ये आपका एक बोल के बराबर है और राइट right, अब यहां पर एक बॉल रखी थी आपकी इस बॉल की मीन पोजिशन यही होनी चाहिए ना ऑब्वियसली इस बॉल को आप ऊपर लेगा इधर और इसको नीचे छोड़ दिया और अब ये बॉल मस्त ऐसे ऑसिलेट कर रही है ठीक है अब ये जो बॉल है वो मस्त ऐसे ऑसिलेट कर रही है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई एक्स इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई थीटा एंड मी से जो रेडियस है वो आर के बराबर है तो अब ये जो बॉल है ये ऑसिलेट करती रहेगी मीन पोजिशन के अबाउट यही होता है ना यस yes, ना आपको बताना है कि ये जो ऑसिलेशन हो रही है ये किस तरीके की है सिंपल हार्मोनिक मोशन है नॉन पीरियोडिक है सो फर्स्टली वॉट डू यू गाइस थिंक विल बी द राइट आंसर इन दिस केस खुद सोचो hey, बताओ hey. कि इस... hey. थीक है, थीक है. इसको भी डिटर्मिन करते हैं तो इसका एक हिंट दे देती हूँ कि दिस इज सिमिलर टू अस हैविंग ऐसा कोई सिस्टम पर अब जो ये बॉल है हमें देखना है कि इस पर कितनी फोर्स लग रही है तो इमेजिन इट लाइक दिस कि आपके पास एक वेज सा है जिसका एंगल आपको थीटा गिवन है उसके ऊपर अगर एक बॉल मैंने रख रखी है उसके ऊपर अगर मैंने एक बॉल रख रखी है ये इसकी बॉल आ गई तो ये जो बॉल है इसके ऊपर फोर्स नीचे की डायरेक्शन में एक्ट करेगी कितनी ये आपका एम जी एक्ट करता है मतलब ये आपका एम जी कॉज थीटा हो गया और ये आपका एम जी साइन थीटा हो गया है ना तो इस केस में भी वही सेम होगा इस केस में भी वही सेम तो चीज होएगी, है ना जो फोर्स है वो मैं बता सकती हूँ ना द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल बिकॉज ऑफ ग्रेविटी कितनी हो जाएगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये फोर्स कितनी हो जाएगी मैम फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा जैसा ये वेज में था तो वैसा ही तो यहाँ पे सिचुएशन है इसमें भी तो खाली एक एमजी साइन थीटा की फोर्स ही लग रही है yes, है ना सो दिस विल बी इक्वल टू मैम एम जी साइन थीटा वाली फोर्स अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी लिख सकती हूँ एक्स अपॉन आर परपेंडिकुलर अपॉन आर

एस एच एम हो रहा है मैम इधर क्या दिक्कत है एस एच एम को हम तो चाहते हैं एस एच एम ओ एस एच एम हमारे लिएजी है ठीक है तो एस एच एम हो रहा है इधर इज दैट ओके यस मैम ठीक है चलो अब आ जाओ आपका ए एम पी एम टी का क्वेश्चन ए आई पी एम टी का ये क्वेश्चन है 2011 में आया था आपको यहाँ पर चार फंक्शन गिवन है देर आर फोर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन विच आर गिवन टू यू इट इज बींग आस्क्ड कि बताओ इनमें से कौन से एस एच एम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से आपके एस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बताओ ठीक है तो आप लोग सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर रहेगा इसका बेटा एबीसीडी में से क्या सही लग रहा है एवरीवन सॉल्व इट एंड लेट मी नो वॉट करेक्ट आंसर इन दिस केस दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन नॉट डिफिकल्ट ऑल बच्चे बोल रहे हैं ए ए बोला है सबने तो ए का मतलब है कि बाकी तीनों आपके एस एच एम कर रहे हैं ठीक है ए का मतलब है कि बाकी तीनों आपके एस एच एम कर रहे हैं ऑलराइट right, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं कुछ बी बोल रहे हैं कुछ सी बोल रहे हैं तो चलो सॉल्व करते हैं सबसे पहला वाला आपका क्या गिवन है सबसे फर्स्ट वाला केस मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो समझ में आ जाए तो बाकी सही है y is equal to sin ओमेगा t minus cos ओमेगा t भाई वेलोसिटी निकाल लो डिफरेंशिएट कर लो क्या आ जाएगा sin का cos आता है तो ओमेगा cos ओमेगा t cos का sin आता है प्लस ओमेगा साइन ओमेगा ओमेगा आ रहा है क्योंकि ब्रैकेट में ओमेगा टी है तो जो टी के साथ में होता है वो की तरह मल्टीप्लाई हो जाता है आपके डिफ्रेंसिएशन में ठीक है तो यहां पे क्या आ जाएगा ओमेगा साइन ओमेगा अब एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो कितनी आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी मतलब एक्सेलरेशन कितनी है एक्सेलरेशन कितनी है आपकी माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लू तो साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी तो एक्सेलरेशन है तो बेटा ये तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई तो हो गई एक्सिलेशन सो दिस इज एस एच एम दिस इज एस एच एम अब हमें पता है कि ये हमारा एस एच एम नहीं रिप्रेजेंट करता नॉट एस एच एम कभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में एडिशनली आपका जो ये वाली चीज है ना दिस इज ऑल्सो नॉट एच एच एम जो आपका फोर्थ है वो भी एस रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्यों ये वापसी कब आएगा कौन सी वैल्यू पे रिपीट होएगा ये ऐसी तो कोई वैल्यू ही नहीं है जहां पे वाई की वैल्यू सेम आती रहेगी ये तो पीरियोडिक भी नहीं है एसएचएम छोड़ो ये तो पीरियॉडिक भी नहीं है आपका वाई ठीक है तो वन प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी, टी इज नॉट एस एच एम बट इज नॉट पीरियॉडिक भाई टी की वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी तो इसकी वाई की भी इन्फिनिटी चली जाएगी ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है आपका जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ये वैल्यू भी बढ़ती रहेगी दिस इज ऑल्सो नॉट एस एच एम ठीक है सो so ये आपका एस एच एम नहीं हुआ ये आपका एस एच एम नहीं हुआ ये आपका एस एच एम आ गया अब एक बार थर्ड को डिस्कस कर लेते हैं थर्ड को तो थर्ड में आपको गिवन है कि वाई इज इक्वल टू फाइव कॉस थ्री पाई बाय फोर माइनस थ्री ओमेगा टी बेटा ये तो इक्वेशन देख के ही समझ जाना चाहिए आपको इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ फाइव ऑफ कॉस थ्री ओमेगा टी -3π/4 सो दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग एसएचएम ओनली दिस इज आल्सो एसएचएम दिस इज एसएचएम मतलब वन और थ्री आपके एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस इज ऑप्शन बी ऑलराइट समझ में आया बेटा एसएचएम क्या होता है नहीं होता ये समझ में आ रहा है सबको यस मैम पक्का ठीक है इसी तरीके के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं कि ऐसा कोई आपको डिस्प्लेसमेंट दे देता है पूछते हैं कि बताओ इनमें से कौन सी एस एच है या नहीं है तो वो तो सीधा आप डायरेक्टली बता सकते हो ऑल राइट तो अगली क्लास में बेटा अब हम आगे करेंगे एस एच एम से जो एसोसिएटेड टर्म्स हैं डिस्प्लेसमेंट है फेज है, है और आपका फेज डिफरेंस है एम्पलीट्यूड है ये सारी चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे इसका एक फोर्स लॉ होता है वो भी करने की कोशिश करेंगे ऑल राइट सो दैट इज द एम फॉर द नेक्स्ट क्लास गाइज दैट इज ऑल फॉर टूडे thank you so much for attending the class everyone bye bye thank you ma'am thank bye you ma